वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो अभी हम रवाना हुए हैं गांव के लिए, क्योंकि समर वेकेशन चल रहा है। तो समर वेकेशन तो शुरू हुए काफ़ी अरसा हो गया है, तकरीबन एक महीना होने को आया है, मगर चूँकि कुछ काम था तो इसलिए हम जा नहीं सके गांव। तो अब फुर्सत है तो गांव जा रहे हैं, और यहां पर अब कार वॉश हो रही है, क्योंकि सिर्फ बाहर से ही हम करवा रहे हैं। तो उसके बाद हम निकलेंगे अपने सफ़र पर। तो जी अभी तक वॉश हो रही है, इसमें 5-10 मिनट इसमें लग गए थे। तो कार वॉश करने के बाद अब रवाना हुए हैं हम आगे के सफ़र के लिए। तो अभी हम बाहर नहीं निकले हैं, जस्ट निकल ही रहे हैं, और दोपहर का टाइम हो चुका है, तकरीबन 12:15 का टाइम हो चुका है, और काफ़ी गर्मी है आज। और सुना है कि गांव में ज़्यादा गर्मी है, मगर खैर है, क्या कर सकते, गर्मी का मौसम है, हर जगह ही गर्मी है। तो अभी कराची की हदूद में ही हैं हम, और एक दो दिन के बाद ईद है, ईद की छुट्टियां भी होने वाली है, और वैसे ही छुट्टियां चल रही हैं समर वेकेशन की। तो सोचा चलो कुछ दिनों के लिए गांव हो आते हैं, सबसे मेरी मुलाकात भी हो जाएगी और कुछ छुट्टियाँ वहाँ पर स्पेंड कर लेंगे। तो ये जो शामियाने लगे हुए हैं यहाँ, इसमें वो कुर्बानी के जानवर जो होते हैं वो बंधे हुए हैं। हर इलाके के सामने इस तरह के टेंट लगे हुए होते हैं जहाँ पर ये जानवर बंधे हुए होते हैं, बकरियाँ गाय वगैरह वगैरह। तो यहाँ क्योंकि हमें निकलते निकलते काफ़ी टाइम हो गया था, लंच का टाइम हो गया था, 1:30 बज गया था, तो हमने सोचा चलो कुछ पेट पूजा कर लेते हैं और उसके बाद आगे निकलते हैं, क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा था, तकरीबन 4 से 5 घंटे तक का। तो इसलिए हम रुक गए हैं, ये सुभान अल्लाह होटल है शायद यही नाम है, और काफ़ी अच्छा और खूबसूरत मतलब होटल है, यहाँ का खाना भी अच्छा होता है, और अक्सर कभी कभी टाइम हो जाता है तो कभी आते हुए कभी जाते हुए यहाँ पर हम रुक जाते हैं खाने के लिए। तो खाना आ चुका है, और थोड़ा ही मंगवाया था क्योंकि ज़्यादा भूख नहीं थी, और क्योंकि गर्मी की वजह से। तो अब बस शुरू करते हैं खाना। तो कुछ लोग बाहर हॉल में बैठे थे, और मैंने कहा कि नहीं अंदर ही बैठ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छी ठंडक थी। तो सर और ये खाना हमने ख़त्म कर लिया है, और बस अब निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि आगे सफ़र जारी रखना है। और अब भी कराची की हदूद में ही है हम, अब बस निकलने ही वाले हैं बाहर कराची की हदूद से। तो अब ये नूरियाबाद आने ही वाला है, और बाहर धूप भी नहीं है, बहुत कम धूप है, हल्की सी है, और काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, और यहाँ पर भी बिल्कुल भी धूप नहीं है, और ठंडी हवाएं भी चल रही है, और गर्मी का यहाँ पर कुछ ऐसा सीन नहीं है। और ये हम हैदराबाद पहुँच चुके हैं जामशोरो, और ये है सिंधु दरिया का पुल, जहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं है, बस सूखी रेत ही है और कुछ नहीं है। ये देखिए बिल्कुल दूर तक जहाँ तक नज़र जा रही है, सिवाय रेत के कुछ नहीं है। और ये है हैदराबाद कासमाबाद, हैदराबाद का इलाका, जहाँ पर हम यहाँ पर बेकरी है हैदराबाद के नाम से, जिसका केक काफ़ी अच्छा होता है, बिस्किट वगैरह। तो यहाँ पर रुके हैं केक लेने के लिए, केक या मिठाई सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छी होती हैं। और जी आ चुका है केक हमारा, और बस चलेंगे आगे। गर्मी यहाँ भी बहुत ज़्यादा है, क्या कहें, गर्मी हर जगह ज़्यादा है,
पहले लगता था कराची में ज़्यादा है, मगर यहाँ भी हैदराबाद में ज़्यादा गर्मी। और यहाँ पर रुके हैं क्योंकि गर्मी ज़्यादा दी थी, हम लोग रुक गए थे लस्सी पीने के लिए, और अंशु का लस्सी का मूड नहीं था तो उसने अपनी ड्रिंक बना मंगवा ली थी, और ये जी लस्सी का ठंडा ठंडा गिलास आ गया, पीते हैं और आगे चलते हैं। और अब हम गाँव पहुँचने ही वाले हैं, कुछ ही दूर है गाँव से हम, और सफ़र हमारा जारी है। हमें सफ़र करते हुए तकरीबन 4 से 5 घंटे हो चुके क्योंकि बीच में काफ़ी जगह पर रुके थे तो इसलिए हमें कुछ देर ज़्यादा लग गई। और यहाँ पर काफ़ी धूप है बहुत तेज़ और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, और गर्मी यहाँ भी बहुत ज़्यादा। और ये है पंडो आदम के बाद का इलाका, ये पानी खड़ा हुआ है बारिश का जो कई सालों से यहाँ पर खड़ा हुआ है। और बस अब कुछ ही देर में हम पहुँचने ही वाले हैं घर, 10-15 मिनट में। और जनाब आज की वीडियो का हम यहीं पर एंड करते हैं, और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय बाय।